हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमितास किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो जनरली नॉनवेज में मिलती है आपको, गलती कबाब की रेसिपी। तो पर मैंने सोचा केवल नॉनवेज में क्यों, तो मैंने कहा चलो वेज में ट्राई किया जाए गलौटी कबाब। तो मैंने वो ट्राई किया, बहुत ही बढ़िया बन के आई है रेसिपी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप भी देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो वो भी फटाफट कर डालिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जो उससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरी वीडियो डालते ही। तो चलिए मैं आपको वेज गलौटी कबाब की रेसिपी बताना शुरू करती हूँ। गलौटी कबाब बनाने के लिए मैंने एक कप राजमा ली थी, इसको ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। मॉर्निंग में मैंने इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला और इसको अच्छे से 3-4 विसल दिलवा ली। उसके बाद स्लो फ्लेम पे रख दिया अराउंड 10 मिनट्स के लिए। तो हमारी राजमा अच्छे से गल गई है और इसको हमने पूरा स्ट्रेन कर लिया है, जितना पानी था देखिए सारा निकाल लिया है। और इसके बाद ये देखिए राजमा हमारी, इस दबा के देख लीजिएगा, अच्छे से गल जानी चाहिए। चलिए अब आगे हम गलौटी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। गलौटी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम एक जार लेंगे और उसमें जो ये राजमा है ये हम इसमें डाल देंगे सारी। और देखिए जब आपने राजमा स्ट्रेन करी तो जो पानी निकला होगा ना उसको फेंकिएगा नहीं, थोड़ा सा पानी आप रख लीजिएगा क्योंकि बाद में हमें डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने राजमा डाल दी। इसके बाद देखिए हमने ये देखिए 8 से 10 मैंने काजू भिगो के रखे हुए थे वो डाल देंगे इसमें। और उसमें देखिए आपको 2 ये इलायची भी दिख रही होंगी, छोटी इलायची ये भी डाल देंगे। काजू भी हम ये निकाल के इसमें अच्छे से डाल देंगे। और उसके बाद हम डाल देंगे 1 ग्रीन चिली। और उसके बाद देखिए एक चीज़ ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज अच्छे से फ्राई कर लिया है घी में, जिसको कहते हैं तल लिया है, वो 1 प्याज मैं डालूँगी इसमें। ये देखिए इसमें देखिए ऑयल भी आ गया ना, वो भी थोड़ा सा डाल देंगे इसमें जो है अलग से एक्स्ट्रा। और थोड़ा सा हम डालेंगे ग्रीन कोरिएंडर, बाकी ऊपर से भी डालेंगे हम, पर इस समय भी हम इसमें डालेंगे क्योंकि हमने अंदर तक इसको फ्लेवर देना है। अब हम इसका एक महीन पेस्ट बना लेंगे, हो सकता है हमें थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो वो जो हमें राजमा का पानी मैंने आपको बताया ना एक्स्ट्रा जो मैंने करा था स्ट्रेन, तो बचा था वो रखा हुआ है, मैं उसी को यूज़ करूँगी। चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबको मैंने पीस लिया अच्छे से कि देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है, बिल्कुल हमें ऐसा ही पेस्ट चाहिए। ये देखिए, ये देखिए ऐसे ही पीसना है इसको। चलिए ये अब हमारा पीस गया, अब हम इसको किसी बड़े बाउल में निकाल लेते हैं और आगे कबाब की बाकी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया सारे बैटर को, और इसके बाद हम बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ, सारे डाल लेते हैं। देखिए हमारा बैटर तो हो गया, अब हमने इसमें बाइंडिंग के लिए इंग्रेडिएंट डालना है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के ग्रेटेड पोटैटोस, आलू डाले हैं मैंने। इसको हाथ से नहीं करिएगा, ग्रेट कर लीजिएगा अच्छे से। और या एक ऑप्शन मैं और दे देती हूँ इसमें, अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो 2 टेबलस्पून बेसन पर भून के वो डाल दीजिएगा स्लो फ्लेम पे, 2 टेबलस्पून बहुत बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हल्के हल्के भून लीजिएगा। जब उसका कलर पिंक हो जाए, उसमें से स्मेल आने लगे, गैस बंद करके उसको ठंडा कर लीजिएगा, फिर उसको यूज़ करिएगा। हम इसमें डालेंगे अदरक, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गलौटी कबाब में। देखिए मैंने इसको छोटा छोटा काटा हुआ है, ये कच्चा अदरक है, अभी फ्रेश अदरक आ रहा है। ये अगर पुराना अदरक है तो आप उसको ग्रेट कर लीजिएगा, इस तरीके से काट के मत डालिएगा। तो ये कच्चा अदरक है तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसको मैं इसी तरीके से इसमें डालूँगी। ये हम इसमें डाल देंगे कच्चा अदरक। इसके बाद हम डालेंगे 1 से 2 ग्रीन चिलीज, ये थोड़ी सी एक रेड थी इसमें से, ये छोटा छोटा काट के। बाकी आपको कितना स्पाइसी खाना है, कम खाना है तो 1 ग्रीन चिली डाल लीजिएगा, 1 ऑलरेडी हम डाल चुके हैं आपने देखा होगा पहले, तो जैसा आपको स्पाइसी चाहिए। और उसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया, इसमें हरा धनिया डाल देंगे। अब चलिए ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। ड्राई स्पाइसेस में हम इससे सबसे पहले डालेंगे अराउंड 1 टीस्पून भर के भुना हुआ ज़ीरा, ये भुना हुआ ज़ीरा डालना, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसमें। और 1/2 टीस्पून डालेंगे ब्लैक पेपर,
वो 1 टीस्पून जीरा डाला था, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला था, सॉल्ट हम बॉईल करते समय डाल चुके हैं 1/2 चम्मच, तो 1/2 स्पून हम सॉल्ट डालेंगे, बाकी सॉल्ट टू टेस्ट है, आप देख लीजिएगा, चख लीजिएगा, अगर लगे कम तो और डाल लीजिएगा। 1 टीस्पून सूखा पिसा हरा धनिया, और इसके बाद डालनी है रेड चिली, ग्रीन चिली ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, तो इसमें आप देख लीजिएगा आपको कितनी डालनी है रेड चिली, टेस्ट के हिसाब से मैं 1/2 स्पून डाल रही हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। और अब बचा गरम मसाला, जिसका अपना ही अलग से टेस्ट आता है गरम मसाले का, तो 1 टीस्पून भर के मैं गरम मसाला डालूंगी। कोशिश करिए आप घर का भुना हुआ बना हुआ गरम मसाला डालिए, क्योंकि बाजार में वो टेस्ट नहीं आता है, तो मैंने घर का बना हुआ गरम मसाला डाला है। अब हम इसको अच्छे से सारे बैटर को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने से पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और 1 स्पून डालेंगे कोई भी रिफाइंड ऑयल या कोई भी आपको जो डालना है वो इस बैटर में डाल देंगे। अराउंड 1 टीस्पून के करीब इसमें ऑयल डाल देंगे। अब हम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स किए, हमारा कितना अच्छा गलौटी कबाब का पेस्ट बन गया। ये देखिए, इसके जब हम कबाब बनाएंगे मुंह में घुल जाएंगे कबाब। तो चलिए अब हम इसकी टिकियां बना लेते हैं। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हाथ में आप ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है ये टिकियां, इसके अच्छे से हाथ में ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद ये देखिए, आपको जैसे बनाना है, जितनी बड़ा कबाब बनाना है, ये देखिए जिस शेप में भी, इसका तो कोई परफेक्ट गलौटी कबाब का तो शेप होता नहीं, इतने मुलायम होते हैं। इस तरीके से हम सारी अपने ही पसंद के साइज से आप बना लीजिएगा, आपको कितने बड़े बनाने हैं। इस तरीके से ऑयल ज़रूर लगाइएगा हाथ में, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम, बहुत ही मखमली, बिल्कुल कबाब जिसको कहते हैं ना, वो बनते हैं। तो ये चलिए इस तरीके से हम इसके सारी टिक्कियाँ बना लेते हैं। देखिए मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली, मेरी 15 टिक्की बनी है। ये देखिए 15 टिक्की बनी है, मीडियम साइज़ की हैं, बाकी आप कितना बड़ा साइज लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इसका बैटर बहुत सॉफ्ट होता है, तो ऑयल लगा के बनाइएगा। और पर अगर आपको लगे कि आपका बैटर बहुत पतला हो गया है, तो आप उसमें ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, 2 स्लाइस तोड़ के उसको मिक्सर ग्राइंडर में चला लीजिएगा, अच्छे से महीन उसको कर लीजिएगा, उसके बाद यूज़ करिएगा। पर जैसे पर जितना मैंने बताया जैसे, उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ऑयल लगा के हाथ में बनाइएगा। तो चलिए अब हम इसको पैन में कर लेते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं, फाइनली कबाब बना लेते हैं। मैंने नॉनस्टिक पैन ले लिया, गैस ऑन कर दी है, अब इसको हम गरम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो कबाब डालते ही ऊपर से जलने लग जाएंगे। इसको हल्का सा गरम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे ही रखना है गैस को। और चलिए इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड डाल देंगे, इसको पूरे अच्छे से तवे पे कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं कबाब। हम एक एक करके इसमें डालेंगे कबाब, हाथ में लेंगे, इसको दोबारा से हल्का सा शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद इस पर रख देंगे इस तरीके से, हम इसको हल्का हल्का हाथों से शेप देंगे और इसको रखते जाएंगे तवे पे। ऑयल है ना, इसको इस तरह से इस तरीके से करते जाएंगे, क्योंकि देखते होंगे आप नॉनस्टिक में साइड में रह जाता है ऑयल, तो उसको बीच में करते जाएंगे। इनको हल्के हल्के से यूँ हाथ से यूँ, ये देखिए यूँ करते जाएंगे, यूँ हल्के से हाथ से प्रेस करेंगे इनको, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप ज़्यादा पलटने की कोशिश करेंगे बार बार तो वो टूट जाएंगे। तो फिर चलिए इस तरह से पलट लेते हैं, और 1 मिनट बाद मैं इसको देखिए साइड से पलटती हूँ, दूसरी तरफ करती हूँ। अब हम इसको पलट लेते हैं, इसके लिए देखिए हम इसको अच्छे से पलटना है, ये देखिए। पर ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल दूसरी तरफ से बिल्कुल पक गए हो तभी पलटिएगा, ये देखिए, क्योंकि नहीं तो टूटेंगे। अब इस तरफ से भी हमें अच्छे से पका लेना है इनको, कबाब को दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। और एक बार में ज़्यादा मत करिएगा, एक बार में 4 बहुत होते हैं, 4-4 करके हम इसको कर लेते हैं। चलिए हमारी दूसरी तरफ से भी हो गए, ये देखिए परफेक्ट। अब एक एक बार इधर पलट के अब हम इनको निकाल लेते हैं, और बाकी के भी बारी बारी बना लेते हैं। इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं,
इसी तरह अब आप बाकी के भी कर लेते हैं। बाकी के दो लॉट बन चुके हैं मेरे, अब ये देखिए इसको हम पलट लेंगे। ये ध्यान रखना है कि एक साइड बिल्कुल अच्छे से पक जाए तभी हमने पलटना है, नहीं तो ये टूटेंगे। आप इसको रुमाली रोटी मंगाइए, रुमाली रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, स्नैक्स में खाइए, स्टार्टर में खाइए। ये देखिए ये बस, अब हमें इसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से कर लेना है। और ये जो साइड में निकल रहा है ना, वो आप देख रहे होंगे, वो थोड़ा सा कबाब में निकलता ही है जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे दूसरी तरफ के लिए भी और इसको हम कर लेते हैं। चलिए अब हमारा ये लास्ट लॉट है, ये बन जाए तो फिर मैं सर्व करती हूँ। जी फ्रेंड्स, मेरे गलौटी कबाब बन गए हैं। आप एक चीज़ और बताऊँ, अगर आप सोच रहे होंगे ना ये प्रॉपर कबाब की तरह टिक्की की तरह इसकी शेप आएगी, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलौटी कबाब इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम, मखमली बनते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, तो इनकी शेप ऐसे ही आएगी। जिन्होंने गलौटी कबाब खाए हैं उनको ज़रूर पता होगा, ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए मैं इसको सर्व कर देती हूँ और आप लोग फिर आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाइएगा ज़रूर। देखिए मेरे गलौटी कबाब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने शेजवान चटनी और मेयो डिप के साथ सर्व किया है, साथ में प्याज है और मैंने थोड़ा धनिया से डेकोरेट किया हुआ है इसको। आप चाहें तो ग्रीन चटनी, पुदीने की दही वाली चटनी के साथ भी सर्व करिए, जैसे भी करिए, ये सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनते हैं और एक नई सी चीज़ है, तो ज़रूर इसको ट्राई करिए और बताइएगा ज़रूर आप लोगों के कैसे बने। अगर अच्छे बने तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।